नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सहानी और आप देख रहे हैं राजनीति। आज बात करेंगे सियासी झंडों के बीच टूट चुके पुलिसिये डंडे की और उल्टे टंगे कानून के झंडे की, बोलते काम के बीच कटिया कांड की, मुख्यमंत्री से लेकर काबीना मंत्री तक कटिया बाजों का कंधा ठोक रहे हैं। उधर अजीत सिंह का हैंडपंप पहले सूख रहा था, अब अकाल के हालात हैं, तो अलीगढ़ से आवाज उठी है अखिलेश की साइकिल को रोकने की। चर्चा करेंगे सभी खबरों पर विस्तार से, तो शुरू करते हैं राजनीति। कटिया, ये चोरी का वो तरीका है कि बिजली आए लेकिन बिल ना आए। सूबे में एक कला है और कला का तो सम्मान भी होना चाहिए, तो सूबे के मुख्यमंत्री और एक मंत्री तालियां बजा रहे हैं यूपी वालों की कला पर। कह रहे हैं चिंता मत करो, चोरी का चार्ज नहीं लगेगा। और हम तो कहते हैं कि कटिया को भी नहीं, हम कुछ कह रहे हैं ये ठीक से दो ना, दिमाग ठीक कर दूंगा। 24 घंटे शहर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही। चोर व्यक्ति नहीं है, उसको भी चोर बनाते हैं बिजली वाले। हमने बिजली के तार इसलिए अंडरग्राउंड नहीं कराए हैं कि हम चोरी रोकना चाहते हैं। गली गली चोर है, गली गली चोर है। चाहे तो जुर्माना और झटका लगे सो अलग। अब इस कटिया कला को सम्मान सूबे का मुखिया ना देगा तो कौन देगा? आखिर कटिया सिर्फ चोरी का तार नहीं है, कटिया एक विज्ञान है, कला है, पूंजीवादी बिजली मीटर के खिलाफ समाजवादी बगावत का एक आंदोलन। बताओ 24 घंटे शहर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही। और हम तो कहते हैं कि कटिया को भी नहीं, हम कुछ कह रहे हैं बिजली आ रही 24 घंटे। अब अगर बीजेपी वालों ने यही तो कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, अगर उन्हें अब बिजली देनी है तो दिन के घंटे बढ़ा लो तभी बिजली। सूबे में चोरी का चार्ज माफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने। कटिया कनेक्शन करो, बिल को भूल जाओ, हाल यही तो है। खंबे तारों के जाल से पटे पड़े हैं, हाल ऐसा कि मक्खी भी उलझकर रह जाए इस मकर जाल में। लेकिन क्या मजाल किसी अधिकारी की इस तरफ आंख जो उठा ले। मुख्यमंत्री का हाथ कटिया बाजों के साथ है। कटिया ऐसी की आंधी आए या तूफान, खंबा हिल जाए लेकिन कटिया पर आंच नहीं आएगी। इसलिए आजम भी एक कदम आगे आए और कटिया बाजों का कंधा थपथपाते हुए बोले, आपके लिए ही तो हमने बिजली के तार हवा में रख छोड़े हैं। हमने बिजली के तार इसलिए अंडरग्राउंड नहीं कराए हैं कि हम चोरी रोकना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं इनके सामने सिवाय चोरी के जीने का कोई मकसद है। किसने बिल अदा किया? यहाँ के दुकानदारों से पूछो, जब जब हुकूमत आई है कौन से टैक्स वाला और इनकम टैक्स वाला छापा मारने की हिम्मत कर रहा? वहाँ पर हुनर है, इतने भयंकर कटिया बाज है कोई इलाके में नहीं। कटिया ऐसी डाल दीजिए, शायद इतना बड़ा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कटिया मेरी हिल नहीं सकती। सूबे में गर्मी आते ही बिजली की समस्या गहरा जाती है, रोस्टर तो रोज रोज बनता और बिगड़ता रहता है। कटियामारों की ऐसी मेहरबानी होती है कि मिलने वाली बिजली भी ऐसी होती है कि पंखा घूमता रहता है, हवा नहीं मिलती। बल्ब जलते हैं लेकिन रोशनी दिए के बराबर ही होती है। लेकिन समाजवादी ऐसा समाजवाद लाकर खुश हैं, या तो बिजली आए ही नहीं या फिर सबको समान मिले, जो बिल दे रहा है उसे भी और जो चोरी कर रहा है उसे भी। समाजवाद को जगमगाने के लिए झंझट ही खत्म कर दिया बिलबाजी का। समाजवाद लाओ, चोरी से घर को चमकाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। दरअसल विज्ञापनों में विकास और काम इतना जोर से बोलने लगा कि गोली की बोली सिर्फ खाने वाले को सुनाई दे रही थी। ऐसा नहीं था विकास की रफ्तार तेज हुई या अपराध की कम हुई, बस मुद्दे से मुंह फेरा तो लोगों का ध्यान भी उचट गया। लेकिन अब फिर से काम की बजाय कानून का निकलता कबाड़ा बोल रहा है, बीजेपी से लेकर बसपा बोल रही है। कहीं ये मुद्दा
डायल 100 के 100 नंबर को रॉन्ग नंबर ना बना दे, जिससे रिजल्ट में नंबर गेम ही बिगड़ जाए। क्या चुनाव से ठीक पहले खराब कानून व्यवस्था सियासी मुद्दा बनेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। सपा सरकार ने पूरे प्रदेश में हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही बिगड़ा है। उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, हर दिन 13 मर्डर होते हैं, 13 खून होते हैं। मित्रों, आप 100 नंबर मिलाने जाना और घटना का पता लग जाएगा तो पुलिस वहां मदद करने के लिए आपके पास पहुंच जाएगी। न सबका साथ न सबका विकास, अब काम भी नहीं बोलेगा, सर्वजन का हित भी यहाँ निहित नहीं है। अब जो बोल रहा है वो है अपराध, जो नेताओं के किस्सों में है वो है कानून व्यवस्था। अपराध की आंधी अब तूफान में बदल रही है। ऐसे में यूपी को ये साथ पसंद हो ना हो, लेकिन गुंडागर्दी तो कतई पसंद नहीं है। अपराध से आजी जा चुकी जनता की जुबान सियासत के शब्दों में सुनाई दे रही है, यानी चुनाव में अपराध विकास से आगे निकल गया। उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, 21 बलात्कार के प्रयास होते हैं, 161% बलात्कार की वृद्धि इस समाजवादी पार्टी के शासन के अंदर हुई है। मित्रों, 161%, 5 साल में 200 से ज्यादा जगह पर दंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर रोज हर दिन 13 मर्डर होते हैं, 13 खून होते हैं। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश का क्या हाल इन लोगों ने कर दिया है। मेरठ में अमित शाह ने सब कुछ भूल अपराध को तूल दिया और इस पर गरज कर मौन हो गए। शब्दों के साथ पदयात्रा भी ठहर गई और बसपा सुप्रीमो तो पहले की कानून व्यवस्था की कलाई खोल रही हैं। हर भाषण में, हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मुद्दा, अपराध की आंधी, बदमाशों का बोलबाला, कानून व्यवस्था का निकलता कचूमर। लखनऊ और मेरठ में हुई घटनाओं को लेकर मायावती सपा पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा, सपा सरकार में सूबे में जंगल राज की काली छाया लगातार जारी है। सूबे में हो रहे अपराध सपा कांग्रेस गठबंधन का जंगल राज दर्शाता है। बीएसपी की मजबूत सरकार ही इसे मुक्ति दिला सकती है। सपा सरकार ने पूरे प्रदेश में हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल बिगाड़ा है। अगर हाल की घटनाओं पर गौर करें तो मामला गंभीर है। मेरठ के कारोबारी अभिषेक वर्मा की हत्या, 2 फरवरी को की गई कारोबारी की हत्या, लखनऊ में पहले बेटे की हत्या, फिर इंसाफ के लिए लड़ रहे बाप की हत्या, मुजफ्फरनगर में पहले बेटे की हत्या, मामला वापस ना लेने पर हत्या के चश्मदीद बाप की हत्या, इलाहाबाद में मशहूर डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं, हर दिन 21 बलात्कार के प्रयास होते हैं, बलात्कार की घटनाओं में 161% की वृद्धि। प्रदेश में हर दिन 13 हत्याएं होती हैं, 70% घटनाएं सपा सरकार के मंत्रियों के क्षेत्र में, 2,78,000 आपराधिक घटनाएं यूपी में हुई, सपा कार्यकाल में 500 दंगे हुए। ऐसे में चुनावी शोर में गोलियों की आवाज गुम हो रही थी, लेकिन एक बार फिर मुद्दा विकास न होकर कानून व्यवस्था बन रहा है। और ऐसे में सीएम अखिलेश के पास एक ही जवाब है, डायल 100, जिसका बखान वो हर रैली में कर रहे हैं। कह रहे हैं, अगर पुलिस को पता लगेगा तो कार्रवाई होगी। आप फोन मिलाना ना, शिकायत यही होती थी कि फोन नहीं उठता। पुलिस को थाने में फोन मिलाया, फोन नहीं मिला। और कहीं एसओ साहब का थोड़ा गर्म हो दिमाग, किसी ने फोन मिला दिया तो सोचो क्या सुनना पड़ता था आपको। इसलिए वो इंतजाम ऐसा किया है, दिन हो रात हो किसी समय आप 100 नंबर मिलाने लेना और घटना का पता लग जाएगा तो पुलिस वहां मदद करने के लिए आपके पास पहुंच जाएगी। अब मतदान करीब आते आते चुनाव और मुद्दों की दिशा बदल रही है। विकास की ट्रेन के लिए सही कानून व्यवस्था की पटरी जरूरी है, तभी जनता का सफर सुहाना हो पाएगा। अगर विकसित शहरों में अपराध का बोलबाला होगा तो विकास का क्या होगा। ऐसे में सियासत का फोकस
कानून व्यवस्था पर देखकर लग रहा है, विकास नहीं अब अपराध मुद्दा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना कोर वोटर समझ रही थी, वही सत्ता की डोर काटने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश के विरोध में अलीगढ़ से आवाज उठी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने दावों और वादों को झूठा ठहरा दिया और साफ कह दिया कि मुसलमान भले नोटा दबा दे लेकिन साइकिल पर वोट ना करें। एएमयू से उठी अखिलेश विरोधी आवाज। अब बेटा अपने बात को नहीं, हमारा क्या होगा? मुसलमान करेंगे सपा विरोधी मतदान। यहाँ के मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा। अखिलेश की कथनी करनी पर उठाए सवाल। माननीय साहब साथ जरूर बोल रहे हैं। सपा को हराने के लिए एकजुट हुआ एएमयू छात्र संघ। अखिलेश की यादव की सरकार को तो बिल्कुल अब इस बार हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सपा हो या बसपा, खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी बताने में पीछे नहीं है। जहां अखिलेश खुद को मुसलमानों का रहनुमा समझ रहे हैं, अब वही कौम उनकी साइकिल को पंचर करने को बेताब है। अलीगढ़ में तो मुसलमान खुलकर आवाज मुखर कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाया, जब एक बेटा अपने बाप का नहीं हो सकता तो हम कैसे मानेंगे? तो यूपी की जनता को होगा, हम लोग जो बाप बेटा अपने बाप को नहीं हो, हमारा क्या होगा? अखिलेश के वादों और दावों पर सवाल उठाते हुए साफ कह दिया है कि लैपटॉप वितरण के बारे में अखिलेश का दावा बिल्कुल झूठा है। पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक स्वर में बोल रही है। लैपटॉप नहीं मिला है, बेकार झूठ बोला है। वो कहते हैं कि हमने सबसे लैपटॉप एएमयू को दिए हैं। नहीं दिया, लैपटॉप नहीं दिया, इसकी गारंटी है। छापिए, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुसलमानों के समर्थन के नाम पर एएमयू छात्र संघ ने एकजुट होकर कहा कि यहाँ का मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा और अब मुस्लिम एकजुट होकर आवाज उठाएगा। मुसलमान है, यहाँ के मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा, यहाँ के मुसलमान आवाज उठाएगा। अभी चुनाव में कुछ दिन है और इंशाल्लाह ताला यहाँ का मुसलमान आवाज उठाएगा। हम लोग भी कुछ अच्छे, यहाँ कोर्ट की मीटिंग है, हमारे यहाँ इलेक्शन है, इसके बाद हम आवाज उठाएंगे, मुसलमानों को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने सभी सेकुलर पार्टियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एएमयू के छात्र संघ ने यूनियन हॉल में एक प्रेस वार्ता की, जहां समाजवादी पार्टी पर दंगे कराने और जाति विशेष को नौकरी में तवज्जो देने का आरोप लगाया। देखिए कि अभी तक 5 साल में 500 से ज्यादा दंगे किसने करवाए? अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के रहते हुए उनकी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा हुए दंगे, उसको कंडेम करते हैं आप। बाबरी मस्जिद और मंदिर, राम मंदिर मुझे अब हम लोग को नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए एजुकेशन, अब हमें चाहिए अफ्लिमेंट, अब हमें चाहिए मुसलमानों का रिजर्वेशन, अब हमें चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए एक आपका जो तरीका, हमें घी नहीं चाहिए, हमें उसमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें हर चीज में चाहिए रिजर्वेशन। जैसे आप यादव में आकर पीसीएस में आपने कितना घपला किया। अखिलेश सरकार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इन्हें तो बिल्कुल भी वोट नहीं देना है, क्योंकि वो पिछले 70 साल से लूटने वाली सरकार को साथ लेकर चल रहे हैं और कोई सही विकल्प न होने पर नोटा दबाने की अपील कर डाली। आवाम से यही अपील करेंगे कि इनकी अखिलेश यादव की सरकार को तो बिल्कुल अब इस बार हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप दिया है और खास करके वो उनका साथ लिया है जो बाबरी के उसमें केस में थे, उन वो जो अभी तक के 70 साल से हिंदुस्तान को लूट रहे थे वो लोग भी साथ में आ गए हैं। अब क्या है, अब क्या बचा है? कुल मिलाकर मुस्लिम समाज में सपा का लगातार विरोध एक तरह से खतरे की घंटी है। मुस्लिम समाज अखिलेश को नकार रहा है और विकल्प न होने पर नोटा दबाने को भी तैयार है। ऐसे में कोर वोटर ही जड़े खोदेगा तो साइकिल का सफर मुश्किल हो जाएगा। अलीगढ़ से समाचार प्लस के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। अजीत सिंह के सामने आफत कहीं कम नहीं है। पहले कोई बड़ा साथी नहीं मिला, अब समर्थक नहीं मिल रहे, जो मिल रहे हैं वो उनके सामने ही मारपीट कर रहे हैं। प्रचार के लिए थाना भवन पहुंचे थे चौधरी साहब, लेकिन बस 5 मिनट बोलकर लौट आए। आखिर जब कोई सुनने वाला ही नहीं था तो करते क्या? मतदान से पहले ही पानी छोड़ रहा है हैंडपंप। अजीत सिंह की रैली में लोगों का आकार, कुर्सी की जद्दोजहद में खाली रह गई कुर्सियां, मीडिया पर फूटा खाली कुर्सियों का गुस्सा। 5 मिनट में भाषण खत्म कर निकल गए अजीत।
पहले गठबंधन की गांठ नहीं बन पाई, कोई मन का मीत नहीं मिल पाया। सूबे में जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और जिन सीटों पर लड़ाई भी मानी जा रही है वहां भी भीड़ नहीं आ रही, कुर्सियां किसी को बिठाने के लिए तरस गई। ये हाल है आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की रैली का और उसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा निकला मीडिया कर्मियों पर। आपको बता दें कि थाना भवन में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष अजीत सिंह प्रत्याशी जावेद राव के समर्थन में रैली करने आए थे। सभा में पहले ही कम भीड़ को देखकर अजीत सिंह नाराज हो गए क्योंकि सभा में हजारों की तादाद में कुर्सियां खाली पड़ी रही थी। रही सही कसर प्रत्याशी के समर्थकों ने मीडिया के साथ बदसलूकी कर पूरा कर दिया। रैली में कुर्सियां भरने के लिए बच्चे भी बुलाए गए थे। रैली की कवरेज कर रहे पत्रकारों पर कुछ कार्यकर्ताओं ने पीछे से हमला कर दिया और पत्रकारों के साथ मारपीट भी की गई और कैमरे भी छीनने का प्रयास किया गया। कार्यकर्ता ज्यादा होने की वजह से मीडिया कर्मियों को वहां से निकलना ही पड़ा। समर्थक अपने प्रत्याशी के पाकिस्तानी प्रेम वाले बयान को टीवी पर चलाने से खफा थे। आपको जावेद राव का वो बयान सुनाते हैं। मुसलमानों की ताकत बढ़ जाएगी हिंदुस्तान में, भाई लाहौर आ गए तो पाकिस्तान आ गया, 20 करोड़ तो है ही, 25-30 यहाँ 50 हो गया, हमारा तो मजा जाएगा। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो आज हम भी यहाँ पे डीएम होते, यहाँ पे कमिश्नर होते, यहाँ पे कलेक्टर होते, यहाँ पे एसपी होते, क्योंकि हमारी जो क्रीम थी वो पाकिस्तान से थी। अब ये बोलते हैं पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों, वजह है हर चौथा आदमी हमारा। आरएलडी प्रत्याशी जावेद राव भी अपने समर्थकों के पक्ष में मीडिया कर्मियों से उलझते नजर आए। वहीं जब पूरा मामला अजीत सिंह के सामने ही हुआ तो वो भी 5 मिनट में अपना भाषण खत्म करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के आला अधिकारी भी मूक दर्शक बने रहे, किसी ने उन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन पूरे माहौल में अजीत सिंह के लिए कुछ भी सुखद नहीं रहा। शामली से समाचार प्लस के लिए वरुण चौधरी की रिपोर्ट। जीत के लिए जतन हो रहे हैं, आखिर कैसे भी विजय श्री वरण करें। इलाहाबाद में पीएम मोदी प्रयोग कर रहे हैं, एक उम्मीदवार सिर्फ इसलिए उतारा है कि पता चल सके जीतेगा या नहीं। जहां से एक गुंडा जीतता था वहां कमल का झंडा लहराएगा या नहीं, क्या पीएम का ये प्रयोग सफल होगा? इलाहाबाद में पीएम मोदी की प्रयोगशाला, सिद्धार्थनाथ के सहारे पीएम मोदी का प्रयोग, माफिया वाले मैदान को मार पाएंगे सिद्धार्थ? क्या सफल होगा पीएम मोदी का सियासी प्रयोग? यूपी एक ऐसा सियासी रणक्षेत्र है जहां प्रयोग करने की पहल आसानी से कोई नहीं कर पाता। बदलाव की कोशिशें होती हैं लेकिन ढर्रा बरकरार रहता है। लेकिन इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी की माने तो उनका यहां से चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल प्रयोग है। मोदी जी ने मुझे भेजा है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि लोग किसके साथ खड़े होते, गुंडे या भ्रष्टाचारियों के साथ या ईमानदार के साथ। और मुझे विश्वास है कि शहर पश्चिमी मोदी जी के एक्सपेरिमेंट बॉय को जरूर सफल बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद की सिटी वेस्ट विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट से माफिया आतिक अहमद 5 बार विधायक रह चुका है। पिछले चुनाव में बसपा की पूजा पाल ने आतिक अहमद को हरा दिया था। सिद्धार्थनाथ के मुताबिक पीएम मोदी इस सीट से जुड़ी आतिक अहमद जैसे माफियाओं और बाहुबलियों की पहचान को खत्म कर यहां विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें यहां खास तौर पर भेजा है। हालांकि उन्होंने ये सफाई भी दी कि पीएम मोदी ने उन्हें एक्सपेरिमेंट के तौर पर जरूर भेजा है लेकिन उन्हें अपना ये प्रयोग सफल होने का पूरा यकीन है। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करके भ्रष्टाचार और ईमानदार की एक लाइन खींच दी है और देश ने ईमानदारों के साथ और मोदी जी के साथ खड़े हैं। शहर पश्चिमी गुंडों का अड्डा है, शहर पश्चिमी भ्रष्टाचारियों का अड्डा है और मैं जिस परिवार से आता हूँ मोदी जी ने मुझे भेजा है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि लोग
किसके साथ खड़े होते, गुंडे या भ्रष्टाचारियों के साथ या ईमानदार के साथ। और मुझे विश्वास है कि शहर पश्चिमी मोदी जी के एक्सपेरिमेंट बॉय को जरूर सफल बनाएंगे। मैं प्रयोग नहीं कहूंगा, उनका विश्वास है जिसके कारण उन्होंने मुझे भेजा है। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक पीएम ने अपने इसी विश्वास के साथ उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, जिसका संदेश पूरे यूपी में जा सके। ऐसे में पीएम के सियासी प्रयोग का क्या परिणाम होता है, ये तो वक्त बताएगा। इलाहाबाद से समाचार प्लस के लिए रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। चुनाव की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों, ये खुलासा कर रहा है समाचार प्लस। एक वकील ने दस्तावेज निकाले, शिकायत की और फिर बीजेपी निष्पक्षता को लेकर परेशान दिखने लगी। देखिए क्या है 270 करोड़ के टेंडर का वोट कनेक्शन। अभी तक अधिकारियों की स्वामी भक्ति की वजह से चुनावों की निष्पक्षता सवालों में थी, लेकिन अब एक खबर ने सबके कान खड़े कर दिए हैं और समाचार प्लस ऐसा खुलासा कर रहा है जो निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अगर आदर्श आचार संहिता ठीक से लागू है तो फिर यह घटना कैसे हो सकती है? खुलासे से आगामी चुनाव में निष्पक्षता पर खड़े हुए गंभीर सवाल। बेसिक शिक्षा विभाग 6 फरवरी को करेगा टेंडर। 270 करोड़ की किताबों की खरीद के लिए सरकारी टेंडर। जुलाई में बंटने वाली किताबों के लिए अभी से टेंडर क्यों? हर साल टेंडर अप्रैल मई में होते थे, फिर चुनाव के वक्त जल्दी क्यों? चुनाव के वक्त टेंडर के जरिए किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश? क्या प्रलोभन के जरिए मतदाता प्रभावित नहीं होंगे? 24 जनवरी को अधिवक्ता सुशील वर्मा ने की थी शिकायत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दो बार हो चुकी है शिकायत, लेकिन अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। आखिर निष्पक्ष चुनाव पर है किसकी बेईमान नजर? आचार संहिता के बाद मंत्रियों और मंत्रालयों का काम पूरी तरह रोक दिया जाता है ताकि मतदाताओं को प्रभावित ना किया जा सके। लालच और प्रलोभन पर कड़ी कार्रवाई होती है। ऐसे में जिस काम की जरूरत अप्रैल मई में पड़ेगी, उसकी इतनी जल्दी क्यों? क्या ये इशारा नहीं करता कि लोगों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? आखिर क्या ये खबर निष्पक्षता पर सवाल खड़े नहीं करती? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।